हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो वेलकम टू जेना सर क्लासेस। ओके, सो आज हम क्या पढ़ेंगे देखो, अल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टी का जो आखिरी पार्ट है, कौन सा रिलेटेड है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। पहले हम क्या पढ़े थे, ओवर सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड ब्रेक के लिए। उसके बाद पढ़े टोटल ओएच जो बॉन्ड होते हैं उसके लिए। लेकिन अभी होल अल्कोहल मॉलिक्यूल के ये सबसे इंपोर्टेंट है बेटा, सबसे इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है तुम्हारा बोर्ड के लिए या बायोलॉजी और एंट्रेंस के लिए। तो पहला देखो डिहाइड्रेशन प्रोसेस, मतलब क्या होता है बेटा, बोले थे रिमूवल ऑफ वाटर। तो जो वाटर बेटा जाएगा ना, तो वाटर को दो तरफ से जाएगा, मतलब दो वे में जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर लिमन वाटर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल से अगर वाटर तुम्हारा जाएगा, सो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलरली रिमूवल ऑफ वाटर। सो क्या बनाएगा, इथर। दो ठो अल्कोहल हम लेंगे, उनमें से अगर मैं एक ठो वाटर को निकाल दूंगा सो क्या बनेगा ना, इथर। उसके बाद देखो इंट्रामॉलिक्यूलरली रिमूवल ऑफ वाटर, जो कि तुम्हारा क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्किन। अल्किन अल्किन आइए समझ में। सो हड़बड़ी में नहीं करने का बेटा, ध्यान से सुनने का क्या मैं बोल रहा हूं। अगर दो ठो मॉलिक्यूल अल्कोहल से अगर निकलेगा वाटर सो क्या देगा मुझे, इथर। अगर एक मॉलिक्यूल अल्कोहल मतलब इंट्रा विद इन, ये होता है इन बिटवीन, ये होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब विद इन, मतलब सेम मॉलिक्यूल से अगर वाटर जाएगा बेटा सो क्या बनेगा, अल्किन। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने लिया इथानॉल को देखो, कंसेंट्रेटेड H2S पर मैं जानता हूं जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो डिहाइड्रेशन करवाएगा उसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। So, देखो 130 डिग्री में जब देंगे, देखो क्या बनाता है, देखो अगर मैं दो ठो अलग अलग लूंगा, दो ठो इथानॉल से अगर मैं वाटर निकालूंगा सो ये होता है मेरा विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरीफिकेशन। जहां पर इथर बनेगा बेटा वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इथरीफिकेशन। जैसे कि तुम्हारा ईस्टर बनता था तो क्या बोलते थे, इस्टेरिफिकेशन। अगर इथर बनेगा तो क्या बोलेंगे बेटा, इथरीफिकेशन। सो दो ठो अल्कोहल अगर लेके मैं अगर वाटर एक तो निकाल दूंगा, किसका प्रेजेंस में, कंसेंट्रेटेड H2S पर, तो क्या मिलेगा मुझे, इथर, एथोक्सी इथर, जो कि तुम्हारा क्या होता है, विलियमसन्स, तुम जानते हो इथर में तुम पढ़े होगे, विलियमसन सिंथेसिस में तुम्हारा इथर ही बनता है। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल इथानॉल से अगर वाटर निकाल दिया 170 डिग्री से, तुम्हारा क्या बन जाएगा, एथिलीन। कैसे बनेगा देखो, ये मैं ये कर देता हूं, देखो फॉर एग्जांपल देखो, सपोज इथानॉल है ना, देखो कैसे मैंने लिखा, एच 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 सिंगल बॉन्ड, देन तुम्हारे पास आ गया CH2 देन OH। आई गॉट समझ में, ओके बेटा। सो देखो इधर OH है इधर H है, अगर ये निकल गया बेटा सो सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, सो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये था मेरा अल्कोहल, क्या बन गया बेटा, अल्कीन। क्या बन गया बेटा, अल्कीन। ओके आई गॉट समझ में। सो ये मैंने लिया, देखो एथिन हो गया, इथानॉल से एथिन। अगर मैं प्रोपानॉल लेता क्या बनता हमारा, प्रोपीन। ओके, सो ये रिएक्शन देखो, इसको क्या बोलेंगे हम, एलिमिनेशन रिएक्शन। आई बात समझ में। उसके बाद देखो, जैसे कि कंसेंट्रेटेड H2S पर तुम जानते हो बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सिमिलरली तुम्हारा एल्यूमिना Al2O3 जो होता है, अगर इथानॉल को सेम प्रोसेस में 250 डिग्री सेल्सियस देने से अगर दो मॉलिक्यूल लूंगा मैं सो ये हो गया बेटा इथर। एंड अगर सिंगल मॉलिक्यूल से निकलेगा जस्ट दिस मैकेनिज्म, ओके, सो क्या बनेगा हमारा, अल्किन। आई बात समझ में। उसके बाद देखो, ये जो वाटर निकलता है बेटा सो ये जब डिहाइड्रेशन कौन सा ऑर्डर में जाएगा, देखो अल्कोहल तो तीन टाइप का होता है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल पढ़े हम शुरू से, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो देखो 3 डिग्री अल्कोहल से ग्रेटर देन होगा तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल, एंड 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन दी 1 डिग्री अल्कोहल। सो इट द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब कौन सा अल्कोहल जल्दी तुमको वाटर देने वाला है, पूरा क्लियर। सो ये हो गया डिहाइड्रेशन। उसके बाद देखो सेकंड रिएक्शन आ रहा है हमारा कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। ये बेटा जो ये जो रिएक्शन होता है, देखो कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल है, ध्यान में रखना, कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, मतलब नो ब्रेकेज ऑफ ओ सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड एंड सी सिंगल बॉन्ड ओएच बॉन्ड, टोटल होल अल्कोहल इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके, सो देखो प्राइमरी अल्कोहल को अगर कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री में मैं पास कर दूंगा सो क्या बनेगा हमारा, एसिटाल्डिहाइड और इथानॉल।
सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल को कपर ट्यूब में 300 डिग्री सेल्सियस में पास कर देने से सो क्या बनेगा था कीटो एसिटो। सिमिलरली को टर्शियरी अल्कोहल बेटा जब देंगे देखो ड्रास्टिक चेंज, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड दिया, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन दिया, लेकिन एक टर्शियरी अल्कोहल को अगर कपर ट्यूब में पास करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस में ना ही तुम्हारा एल्डिहाइड देगा ना ही तुम्हारा कीटोन देगा, क्या देगा एटो अल्कीन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आई गेस समझ में। चलो ये हो गया तुम्हारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब बेटा क्या है, हाइड्रोजन निकल रहा है ओके हाइड्रोजन ओके पूरा क्लियर। प्राइमरी में हाइड्रोजन दिए, सेकेंडरी में हाइड्रोजन, लेकिन टर्शियरी में बेटा जे ऑल्दो देखो एल्केन बन रहा है इसलिए तुम्हारा वाटर निकलेगा ओके। सो ये हो गया वन टाइप ऑफ वाटर रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आई बात समझ में, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। लास्ट पॉइंट तुम्हारा देखो अल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी अल्कोहल को बेटा याद रखना, कोई भी अल्कोहल को तुम अगर ऑक्सीडेशन करोगे आखिर में तुमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट हुआ तो। देखो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन हुआ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रूम टेम्परेचर पर फिर लास्ट में क्या दे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल, देखो सेकेंडरी अल्कोहल क्या दे मुझे कीटोन विद सेम नंबर कार्बन ओके सेम नंबर। देखो यहां पर अल्कोहल में जितना कार्बन रहेगा एसिड में बेटा उतना ही कार्बन रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से इधर जितना कार्बन रहेगा जो कीटोन बनेगा। देखो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन रहा है कीटोन। वही कीटोन को बेटा वही कीटोन जो बना उसको अगर फर्दर में ऑक्सीडेशन कर दूंगा, देखो रूम टेम्परेचर में करने से नो रिएक्शन आएगा, रूम टेम्परेचर में नो रिएक्शन देगा वो कीटोन, लेकिन हाई टेम्परेचर देने से क्या बन जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड कंडीशन क्या है बेटा, लेस नंबर कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अल्कोहल से देखो उसका कार्बन नंबर कम रहेगा ओके। सिमिलरली टर्शियरी अल्कोहल को अगर देखो रूम टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा बेटा नो रिएक्शन ओके। टर्शियरी अल्कोहल को रूम टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन करने से नो रिएक्शन होगा, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर दे देंगे बेटा सेम वही कीटोन जैसे दे रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा लेस नंबर ऑफ कार्बन। आई बात समझ रहे ओके। सो देखो इधर एक तो अल्केन है, अल्केन देखो ये तो ब्रांच चेन अल्केन है बेटा, हाई टेम्परेचर देने से क्या बनेगा वो कीटोन देता है, कीटोन से अगर फिर फर्दर में देखो ये कीटोन में कितना कार्बन है बेटा वन टू ये हो गया थ्री ये हो गया फोर, चार तो कार्बन है। कीटोन को अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे बेटा तो क्या मिलेगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक, लेकिन ध्यान से देखना बेटा इधर चार तो कार्बन था लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा देखो इधर दो ठो कार्बन है इधर भी कितना दो ठो कार्बन है, वही रूल है कीटोन जब ऑक्सीडेशन फर्दर होगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, लेकिन कंडीशन क्या बेटा लेस नंबर ऑफ कार्बन आने वाला है पूरा क्लियर। सो बेटा दिस फिनिशेस योर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ओके। एंड एक और वीडियो हम बनाएंगे डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तब तक का वीडियो को अच्छे से देखो अच्छे से समझो। आई बात समझ में, चलो ऑल द बेस्ट।